हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन वीडियोस एंड शॉर्ट्स। आज हम लोग मछली बनाने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग ने मछली में हल्दी और नमक ऐड कर लिया है। अब हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए, हम लोग ने पहले से ही कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल भी डाल दिया है। अब हम लोग मछली को फ्राई कर रहे हैं। हम लोग इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने कुछ मच्छी को फ्राई कर लिया है। अब हम लोग ऐसे ही सारे मच्छी को फ्राई कर लेंगे। जब तक हम लोग की मच्छी फ्राई हो रही है, तब तक हम लोग मसाले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने मसाले के लिया है सरसों, लाल मिर्च, खड़ा मसाला, काली मिर्च, जीरा, लहसुन, धनिया। अब हम लोग सारे मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लेंगे। यहाँ पे हमने मसाले को अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग का फिश फ्राई हुआ है कि नहीं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का फिश अभी भी फ्राई हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं गाइज, हम लोग का फिश गोल्डन ब्राउन होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग ने जिस तेल में फिश को फ्राई किया था, उसी तेल में हम लोग अपना फिश बना लेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग ने अपना प्याज और टमाटर को कट कर लिया है। अब हम लोग इसे डाल लेंगे तेल में। हम लोग प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से गला लेंगे। हम लोग ने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है। यहाँ पे हम लोग ने प्याज और टमाटर को निकाल लिया है। अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है। ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। अब हम लोग तेल में मेथी डाल लेंगे। अब हम लोग जो प्याज और टमाटर का प्यूरी बनाए थे, तेल में डाल लेंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अब हम लोग इसमें एवरेस्ट मिर्च मसाला डाल लेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम लोग इसमें मसाले को डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसे भूनने के लिए छोड़ देंगे, जब तक मसाला हम लोग का पक ना जाए। यहाँ पे हम लोग का मसाला पक चुका है। अब हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम लोग इसमें पानी डाल लेंगे। आप लोग अपने ज़रूरत के अनुसार पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें मछली को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने सारे मछली को इसमें डाल दिया है। अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से चला देंगे। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है।
अब हम लोग इसको ढक्कन से ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग का मछली पक चुका है, हम लोग इसे 5 मिनट और छोड़ देंगे पकने के लिए। यहाँ पे हम लोग का फिश बनकर रेडी हो चुका है, अब हम लोग इसे सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने अपने फिश को सर्व कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।